नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लाइव स्कोर अपडेट में। जी हां दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी वह पाकिस्तान से रविवार को भिड़ेगी, यानी कि दोस्तों इस मुकाबले में भारत का जीतना बेहद जरूरी है। दोस्तों, टॉस की बात करें तो टॉस इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। एडिलेड के मैदान पर किंग कोहली का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, उन्होंने दोनों ही मैचों में 50 लगाई है, उनका स्ट्राइक रेट यहां पर 150 से ज्यादा का रहा है। वहीं दोस्तों, इंग्लैंड की टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनकी बल्लेबाजी है, टीम के पास 90 नंबर तक बल्लेबाज है। ऐसे में भारत के लिए इस बैटिंग लाइनअप से निपटना बड़ा चैलेंज होगा। इंग्लैंड के पास मार्क वुड जैसा जबरदस्त पेसर भी है, उन्होंने अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में 9 विकेट झटके हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 154.74 यानी कि लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी, जो कि मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे तेज गेंद थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट नेटवर्क्स पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने खुद के मोबाइल फोन पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से आप देख सकते हैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग। इन सबके अलावा दोस्तों, समय समय पर मैच से जुड़ी तमाम जानकारियां स्कोर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको तमाम जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। अब दोस्तों, जल्दी से भारत की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।